हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, थंबनेल में आपने देख ही लिया, मैक्स हेल्थ केयर के बारे में। मैक्स हेल्थ केयर करता क्या है, मैक्स हेल्थ केयर का चार्ट पैटर्न कैसा है, मैक्स हेल्थ केयर के फाइनेंशियल कैसे है, एक ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है यह शेयर, कभी भी इसका ब्रेकआउट हो सकता है और एक बेहतरीन रिटर्न यहाँ से 20% तक के ऊपर के दिखाई देते हैं। तो इसी स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े और जाने इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर के स्टॉक के बिजनेस मॉडल से रिलेटेड, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि फौरन तौर पर आपको हमारी वीडियोज मिला करें। ऑल पे का जरूर लगा लीजिएगा। एज वेल एज आपसे रिक्वेस्ट एक और है कि हर एक वीडियो को लाइक जरूर कर दे और जितना हो सके सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट करेंगे तो बेहतरीन वीडियो डेली बेसिस पे आपको मिलती रहेंगी और ऐसी ऐसी पिक्स मिलेंगी, इस तरीके से शेयर मिलेंगे, एज वेल एज स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की जाती है डेली कि आप किस तरीके से यहाँ पर करोड़पति बन सकते हैं। और इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट अ कप ऑफ केक, इट इज अ कप ऑफ केक, बट आपको एक स्ट्रेटजी की जरूरत है। यहाँ पर आज की डेट में एक वीडियो आ चुकी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट के ऊपर, जाके देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको बताया कि 1844 का तो टारगेट है, बट 1844 से पहले आप तो यहाँ पर दो तीन बार स्विंग ट्रेड करके अच्छा पैसे कमा सकते हो। इस चीज को जाके देखिए क्योंकि 30% का भी टारगेट दिखाया। इसके अलावा हमें इसे कांटेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर नंबर है, इस पर्टिकुलर नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करिए। ओके, यहाँ पर आप अपनी फाइनेंशियल सर्विस, हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं लाइक अदर पीपल। और आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर के बारे में। 401 रुपए के आसपास का शेयर चल रहा है, 410 इसने कल की डेट में ही हाई बनाया था 21 तारीख को, इसके बाद थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया। 128 रुपए अगर हम बात करें, 52 वीक लो इसका था। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूं तो 41% का यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे ये शेयर उठाए गए थे आज की डेट में। और यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी काफी बेहतरीन है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते रहते हैं इसके तो, जो आती है क्वार्टरली बेसिस पे। और यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर्स के पास 60% के शेयर है, कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। इस शेयर की अगर मैं बात बताऊं तो ये शेयर मैंने आपको 222 रुपए पे, जब ये शेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहा था बार बार, यहाँ पर जब शेयर आता था ऊपर जाता था फिर नीचे आता था ऊपर जाता था, यहाँ पर ट्रेड कर रहा था तब आपको यहाँ पर ये वीडियो बना के दी थी और इस वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस टाइम यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि ये शेयर काफी बेहतरीन शेयर है और आपके पैसे अच्छे खासे यहाँ पर देखिए 7 मंथ्स एगो यहाँ पर वीडियो बनाई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा शेयर, यहाँ पर आपको बताया था किस तरीके बल्क डील हुई थी और यहाँ पर आपका ये अच्छा खासा पैसा दुगना कर सकता है। तो पैसा दुगना होने की कगार पे है, 7 मंथ्स हो चुके हैं, 1 साल के अंदर अंदर जो कि 222 पे हमने खरीदा था और 444 रुपए इसका प्राइस आ रहा है। तो टारगेट आज इस बार के 478 के आ रहे हैं, तो वो किस तरीके से टारगेट आ रहे हैं और कैसे हमारा ये टारगेट अचीव होगा, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था, कमेंट भी पड़े होंगे ओके कि भागेगा नहीं, किस बेस पे वीडियो बनाई है, क्या बनाया, कैसे बनाया। तो बेस एस कुछ नहीं होता, इसी वजह से राकेश झुनझुनवाला भी कभी भी अपने स्ट्रेटेजी किसी को स्टॉक्स नहीं बताते, कुछ नहीं बताते, जो लेना होता है लेते हैं, क्यों जाएगा किसी को नहीं पता, बट जाएगा ये सबको पता है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे और बढ़ते हैं। मैक्स हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्थ केयर मतलब ये हॉस्पिटल भी है ओके, इनकी बड़े बड़े हॉस्पिटल आपको दिल्ली एनसीआर एज वेल एज मुंबई जैसे यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए दिल्ली एनसीआर में काफी 3-4-5 हॉस्पिटल्स यहाँ पर है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में यहाँ पर एक हॉस्पिटल दिखाई देता है, उत्तराखंड में हॉस्पिटल है, पंजाब में यहाँ पर हॉस्पिटल है। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली की बात करें, 10 हॉस्पिटल यहाँ पर दिल्ली में, दिल्ली में यहाँ पर डोमिनेशन कुछ ज्यादा है इनका, एज वेल एज और भी इनके अगर बात करें एप्लीकेशन वगैरह भी है और बेहतरीन ये सर्विस प्रोवाइड करते हुए दिखाई देते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें यहाँ पर ये इनके यहाँ पर कैंसर से लेके रिलेटेड, हेल्थ हर्ट से रिलेटेड और जितने भी यहाँ पर न्यूरोसाइंस ट्रांसपेरेंट जो भी होता हुआ दिखाई देता है, लीवर से रिलेटेड, ये सारे के सारे काम करते हुए ये पर्टिकुलर यहाँ पर सब कुछ आप करा सकते हैं, एक बेहतरीन यहाँ पर ये हॉस्पिटल नजर आता है। इसके अलावा यहाँ पर सर्विसेज की बात करें, इनकी लैब भी है, मैक्स लैब, मैक्स एट होम प्रिविल, यहाँ पर देखिए प्रिवेंट हेल्थ चेक्स एज वेल एज इंश्योरेंस एंड TPA भी करते हैं, इमिग्रेशन सर्विसेज इससे रिलेटेड ये सारी की सारी। अकेडमिक्स की बात करें तो ये शायद डॉक्टर्स एंड प्रोफेशंस यहाँ पर ये कुछ इन्होंने शायद जैसे आजकल एप्लीकेशन चल रहे हैं वो ऐसा कुछ एप्लीकेशन बना रखा होगा, लाइफ सेविंग प्रोग्राम से रिलेटेड ये शायद इनकी कोई इंस्टीट्यूशंस भी होगा, अकेडमी जिसे कहते हैं। इंटरनेशनल पेशेंट्स की बात करें तो इंटरनेशनल पेशेंट भी आते रहते हैं क्योंकि कंपनी यहाँ पर बात करें इंडिया डॉक्टर के मामले में काफ़ी बेहतरीन एज वेल एज बेहतरीन प्लेस है जहाँ पर लोग अब आके इलाज करा सकते हैं
अदर देन अदर अदर कंट्रीज, तो एक अच्छी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ के डॉक्टर भी बड़े वेल ट्रेंड होते हैं। तो आपको पता ही है इंडिया की बात अलग ही है, हर हर एक सेक्टर में हम बात करें तो, बट स्टिल हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पर बैक टू द पॉइंट आते हैं। तो यहाँ पर देखें तो लगभग 17 हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो कि हमने बात कर लिया है कहाँ कहाँ पर यहाँ पर नजर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली एनसीआर, मुंबई, मोहाली, बठिंडा, देहरादून में यहाँ पर ये पर्टिकुलर यहाँ पर हॉस्पिटल्स नजर आता है। मार्केट कैप की बात करें, लार्ज कैप कंपनी है, 38,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है, पी 194 का नजर आता है, बहुत महंगा ओके। और अगर बात करें जब ये 250 का पी था तब भी महंगा नजर आता था, बट ये काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है ओके, इस वजह से ये आपको महंगा नजर आता है, बट ये महंगा नहीं है, ये आपको अब अच्छा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कोविड का केसेस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोविड के को अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाऊं, केसेस चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगी कि यहाँ पर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर हम बात करें बाहर की कंट्रीज में तो यहाँ पर आप अमेरिका ले लीजिए या आप दूसरी कंट्रीज ले लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ केसेस किस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे यहाँ पर लॉकडाउन लगते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको ये सब चीज यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे अमेरिका, यूएस वगैरह, तो आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से यहाँ पर केस एक साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया है, बट दूसरी कंट्रीज यहाँ पर नीदरलैंड वगैरह ले लीजिए, वहाँ पर लॉकडाउन से रिलेटेड न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है, किस तरीके से यहाँ पर इनके पीक पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यूके में किस तरीके से यहाँ पर केस बढ़ रहे हैं। जब केस बढ़ रहे हैं तो इंडिया में भी यहाँ पर शायद आ सकती है, जो कि हम बात कर रहे हैं फेब की, तो जब फेब में दोबारा ये केसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो ये शेयर को बहुत बेहतरीन प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा ओके। बट ऐसा कुछ होप ऐसा कुछ मार्केट में ना हो, इंडिया में एक्चुअली ना हो। आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है, डेट फ्री कंपनी नजर आती है। इसके अलावा 473 रुपए यहाँ पर पता ही नहीं कब का दिखा रहा है ओके, इसे छोड़ दीजिए, अभी यहाँ तक कभी गया ही नहीं है। तो यहाँ पर 400 रुपए का एक बेहतरीन काफी टाइम से यहाँ पर एक ही सपोर्ट नजर आता है, एक कप यहाँ पर अगर बात करें राउंडिंग बॉटम बना के शेयर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें सेल्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स किस तरीके से अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दी थी, लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी यहाँ पर सेल्स कम होती हुई दिखाई दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट पे थोड़ा सा यहाँ पर फर्क होता हुआ दिखाई दिया था। बट यहाँ पर अगर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो रिजल्ट है इसे मार्केट ने अप्रिशिएट किया था, और इसके रिजल्ट के बाद शेयर एक 400 रुपए का यहाँ पर लेवल भी यहाँ पर टच करते हुए दिखाई दिया था, उसके बाद एक गिरावट थी, कंसोलिडेशन था, दोबारा उसी लेवल पर आके खड़ा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर कंपनी ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दी थी ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको पता ही है यहाँ पर कोविड का ग्राफ कम हो गया था, पेशेंट उसी हिसाब से कम आते हुए दिखाई दिए थे, जो कि इंडिया के लिए अच्छा है बट स्टॉक के लिए अच्छा नहीं था। बट यहाँ पर बात करें अब एक कंसिस्टेंट ग्रोथ भी यहाँ पर नजर आती है, यहाँ पर देखेंगे एक कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर नजर आती है इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में। और यहाँ पर शेयर की पिछले 12 महीने की बात करें 1600 करोड़ रुपए का सेल्स है, प्रॉफिट की बात करें जो कंसिस्टेंटली यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा था पिछले 12 महीने में, देखिए 200 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट भी हुआ है, जो कि कंपनी दिखाता है कि अच्छा खासा यहाँ पर आगे चल के अच्छा खासा ये शेयर आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। रिजर्व्स यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, 5-6 साल में 10 टाइम्स यहाँ पर रिजर्व्स हो रहे हैं। बोरिंग की बात करें बोरिंग भी थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, 445 करोड़ रुपीज का यहाँ पर बोरिंग भी है, वर्किंग प्रोग्रेस में 2 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट की बात करें 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कैश की बात करें तो कंपनी कैश रिच है, कंपनी के पास 657 करोड़ का कैश भी है, तो अच्छे खासे पैसे है कि अपने बोरिंग को कभी भी चाहे तो चुका सकते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 60.91% की होल्डिंग है, अभी कुछ एक ग्रुप ने यहाँ पर शेयर बेचे थे ओके, जो आपने देखे दोबारा दिखाई दिए थे जिसकी वजह से शेयर नीचे भी आया था। एफआईएस की बात करें एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आई है। डीआईएस की बात करें डीआईएस लगातार यहाँ पर खरीद रहे हैं, 0% से लेके अभी 8% की हिस्सेदारी है। पब्लिक की बात करें 16% की हिस्सेदारी दिखाई दे रहा है, बट 16 की हिस्सेदारी नहीं है यहाँ पर, आप देखेंगे सिटी ग्रुप एज वेल एज कोटक सिक्योरिटीज ने यहाँ पर शेयर खरीदे हैं, तो लगभग यहाँ पर 7-8% लगभग यही समझ सकते हैं 9% के आसपास की होल्डिंग, लगभग 5% के शेयर ही रिटेल के पास है, बाकी सारे के सारे शेयर यहाँ पर आपको अच्छी होल्डिंग में दिखाई देंगे, स्ट्रॉन्ग हैंड में यहाँ पर दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं चार्ट की, चार्ट की बात करें तो यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है ओके, कैसे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक ब्रेकआउट पे ये खड़ा हुआ है शेयर, किसी भी दिन यहाँ पर ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट होके यहाँ पर एक बेहतरीन टारगेट नजर आएंगे, और वो टारगेट क्या होंगे वो अभी आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर शोल्डर बनाया, शोल्डर बनाने के बाद एक यहाँ पर हेड बनाया ओके, हेड बनाने के बाद
यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं एक और शोल्डर बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी बनता है ओके टारगेट अचीव होते ही होते हैं सूनर और लेटर। हो सकता है कि यहाँ से चीजें थोड़ी सी नीचे जाके फिर दोबारा भागती हुई दिखाई दे, बट ये टारगेट अचीव होंगे फॉर श्योर। अगर इसके अगली बार के रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो यहाँ पर और भी बेहतरीन टारगेट नजर आएंगे। तो क्या टारगेट यहाँ पर नजर आते हैं, कितने परसेंट के यहाँ पर आपको गेन दिखाई दे सकता है और कैसे ये ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि बार बार ये, अगर आप इस कैंडल को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बार बार इसे अटेम्प्ट कर रहा है कि ऊपर जाए ऊपर जाए। यहाँ पर कल भी इसने अटेम्प्ट किया था ओके, यहीं से लास्ट टाइम जो इसने कैंडल बनाई थी इधर से ही यहाँ नीचे आता हुआ दिखाई दिया। अगेन यहाँ पर कल तो ऊपर जाने की कोशिश करी थी, आज भी कोशिश करी थी जो नाकामयाब रही, बट यहाँ पर से चीजें कभी भी ऊपर जा सकती है, एक अच्छे खासे वॉल्यूम पे जा सकते हैं और यहाँ पर जैसे ही ऊपर जाएगी तो टारगेट यहाँ पर आपके आते हुए दिखाई देंगे 480 के आसपास के ओके 480 के आसपास, जो कि यहाँ पर अच्छे खासे टारगेट आपके बनते हुए दिखाई देते हैं। कितने परसेंट के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19% के यहाँ पर टारगेट नजर आते हैं, 19 से 20% के यहाँ से टारगेट नजर आते हैं। बट इस ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस भी यहाँ पर लगाना होगा। देखिए मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि मैंने नीचे के लेवल्स पर ले रखा है, बट अगर कोई यहाँ से खरीदने की सोच रहा है तो हमेशा आपको स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ पर प्रीवियस जो लो होता है वो लगाते हैं 392 रुपीज का, और बट काफी बार ऑपरेटर इसको भी हिट करा देते हैं और फिर चीजें नीचे ले जाने के बाद फिर ऊपर लेके जाते हैं, तो इस चीज को भी आपको समझना होगा। तो स्टॉप लॉस हम इसलिए लगाते नहीं, हम चीजें नीचे से खरीदते हैं, वेट करते हैं 7 महीने के अंदर अंदर लगभग 90% के यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 90 तो नहीं कहूंगा, 80% के रिटर्न, 85% तक के रिटर्न से हम मिलते हुए नजर आ रहे हैं और ये शेयर और भागता हुआ नजर आएगा। हर बार वीडियो बनाई है, हर बार ये शेयर ऊपर भागा है। अगेन यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ ओके, यहाँ पर मुझे रिजल्ट से पहले ये, इसके जो रिजल्ट आने वाले हैं जैन में, उसके पहले ये टारगेट अचीव होता हुआ नजर आता है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना है और यहाँ पर देख सकते हैं राउंडिंग बॉटम जब भी बनती है तो चीजें ऊपर जाती है। सो यहाँ पर वीडियो को क्लोज करते हैं, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, जितना हो सके सपोर्ट करें, हमसे कांटेक्ट करना है इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट करें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।